हम लोगों ने आज एक खबर सुनी है। स्वागत है। हम लोगों ने एक खबर सुनी है, हालांकि पहले से भी यह मालूम था कि उपेंद्र कुशवाहा जी दो दिन से कुछ मीटिंग कर रहे थे, ये सुन रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और नाप तो उन्होंने दिया था कि जनता दल यू के कार्यकर्ता, कोई जनता दल यू का कार्यकर्ता उनकी मीटिंग में गया था? कोई जनता दल यू का कार्यकर्ता उनकी बैठक में नहीं गया था। हाँ, उनका एक कुनवा छोटा सा पहले से भी चलता रहा है, उसी कुनवा के लोग उस मीटिंग में थे, कल भी थे, आज भी थे। और यह भी हम लोगों ने सुना है कि उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया, बहुत अच्छी बात है, हम लोगों की शुभकामना है वो पार्टी बनाए। लेकिन जहाँ भी जाए अस्थिर से रहें, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी का इतिहास है। उपेंद्र कुशवाहा जी पहला टर्म विधायक बने थे, हम सम्मान की बात करें, पहला टर्म विधायक बने थे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको फर्स्ट टर्म वाले को विरोधी दल का नेता बनाया। वो उपनेता थे, नेता थे भी नहीं विधायक दल में। नेता का जब चुनाव हो रहा था तो 6 टर्म 7 टर्म वाले विधायक थे उस पार्टी के, कोई तैयार नहीं थे इनको नेता स्वीकार करने के लिए। तो मुख्यमंत्री जी ने उप नेता को ही विरोधी दल का नेता घोषित करवा दिया, उनको सम्मान मिला था, इसलिए कि मुख्यमंत्री जी ने उनको, एक नौजवान थे उस समय, पहली बार विधायक हुए थे, उनको आगे बढ़ाना चाहते थे, उनको सम्मानित करना चाहते। फिर चले गए, बहुत अच्छा बात है, चले गए, फिर वापस आ गए, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी से इच्छा व्यक्त की कि हमको राज्यसभा जाना है। मुख्यमंत्री जी ने कहा चले जाइए, राज्यसभा चले गए। 3 महीना वहाँ रहे और राज्यसभा जाने के 3रे महीने से उन्होंने दल विरोधी काम शुरू कर दिए। फिर चले गए, फिर इस बार 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 आग्रह कर रहे थे, जो हम लोग की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय वशिष्ठ बाबू के यहाँ हर हफ्ते ही जाते थे, ये आग्रह के साथ के हमको ले ली। फिर मुख्यमंत्री जी ने ले ली, इस पार्टी में एक आदमी उनके पक्ष में नहीं था, ये भी बता देते, इस पार्टी के अंदर जो उनका पुराना इतिहास था, उस पुराने इतिहास को देखते हुए इस पार्टी के जो भी नेता थे, एक नेता इस पक्ष में नहीं थे कि उपेंद्र कुशवाहा जी को पार्टी में शामिल किया। फिर भी सबके उसको करते हुए मुख्यमंत्री जी ने अपना निर्णय दिया कि हमने फैसला कर लिया, वो ज्वाइन करें। सब लोगों ने स्वीकार कर ली, ज्वाइन कर। उस समय के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनका विरोध तो यहाँ तक था कि उनके ज्वाइनिंग में नहीं आए। हम लोगों ने कहा भी कि चलिए, मैंने खुद जाके उनसे कहा राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, आप लोगों को ज्वाइन कराना है कराइए। लेकिन फिर वो नई पार्टी बना रहे हैं, हम लोग की शुभकामना है, फलिए फूलिए। लेकिन जब आदमी का व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अति तीव्र हो जाता है, अति महत्वाकांक्षी जब व्यक्ति हो जाता है, तो उसका व्यक्तित्व मिलीन हो जाता है, वो मध्यम हो जाता है। और उपेंद्र कुशवाहा जी का जो अति महत्वाकांक्षा है, यही कारण है उनके आज तक के राजनीतिक इतिहास में। कौन भरोसा करेगा? कोई भरोसा नहीं करेगा।
वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी उनको कल देख लीजिएगा कुछ दिन के बाद, आज हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद देख लीजिएगा कि उनका वहाँ क्या हो। इंडिया से बाहर निकले थे, तो इंडिया से जब बाहर निकले थे तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में गए थे, वहाँ से भी निकल के चले आए, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन बनाए, बहुजन समाज पार्टी और जो कौन है उनकी ओवैसी जी की पार्टी एमआईएम के साथ मिलकर गठबंधन बनाया, आज ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो उस जगह से वो अपने आप को नीचे उतार ही नहीं पाए, वो अपने आप खुद से दिमाग में एक अपने लिए स्थान वो बना चुके और उस स्थान से नीचे नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी आप चले गए हैं, नई पार्टी की घोषणा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, हम सब लोगों की शुभकामना है, आप जाइए, क्योंकि हम लोग जान रहे थे पिछले दिसंबर से जो उनका काम चल रहा था और जो बार बार दिल्ली की यात्रा कर रहे थे, दिल्ली से पटना आ रहे थे, पटना से दिल्ली जा रहे थे, किससे किससे मिल रहे थे, कहाँ कहाँ खिचड़ी पका रहे थे, सब हम लोग को जानकारी थी, ऐसा नहीं है, एक भी बात छुपता थोड़ी है, एक भी बात छुपता नहीं है, सब बात की जानकारी हम लोगों को हो रही थी, तो इसलिए हम लोग जान रहे थे कि वो किस दिशा में जा रहे, तो जा रहे थे तो जाइए, इसीलिए हमने कल कहा था कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान, निगाह था उनका दिल्ली और पटना की यात्रा पर और निशाना साध रहे थे कि जनता दल यू कमजोर हो रहा है। अरे भैया, जनता दल यू का सदस्यता अभियान चला, 72 लाख सदस्य बने, आप बहुत जनता दल यू को मजबूत करने का दावा करते हैं, खोखला दावा करते हैं, कै गो मेंबर बनवाए थे उसमें तो थे आप पार्टी में, कितने सदस्यता में सदस्यता अभियान में आपका योगदान रहा, नहीं रहा। और एक बात और आपको बता देते कि जब हम लोग को मालूम हुआ कि वो दिल्ली और पटना की यात्रा कर रहे हैं, तो इस बीच जो उनका कुनबा, उस कुनबा के कई महत्वपूर्ण साथी लगातार हम लोगों से आके मिलते रहे और उन्होंने कहा कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते ये किसी जगह नहीं टिकते हैं, अब हम लोग कहीं इनके साथ जाने वाले नहीं है। उसी में एक धीरज कुशवाहा जी यहाँ है बगल में, ये भी थे, उनका सब करता धरता ही थे, और भी कई लोग हैं, धीरे धीरे एक दिन सब लोगों को बुलाएंगे, तब आप लोगों से मिलाएंगे कि उनके कुनवे के कितने महत्वपूर्ण लोग आज चले आए वापस। तो यही हम लोगों को बताना था कि वो जाए पार्टी बना रहे हैं बनाए, लेकिन जहाँ जाए वहाँ कम से कम कुछ दिन टिके रहे, टिक नहीं सकते, आप पूरा इतिहास निकाल के देखिए, विधायक बने पहली बार तब से आज तक का उनका इतिहास निकाल के देख लीजिए, वो कहीं नहीं टिके, इसलिए टिकेंगे कहीं नहीं। और उनकी सबसे बड़ा जो उनके व्यक्तित्व का जो खामी है वो उनका अति महत्वाकांक्षी होना, वो बार बार कहते हैं कि उनके जो अगल बगल लोग रहते हैं उनके सुझाव से नियम चलते हैं जिसके चलते पार्टी बर्बाद हो रही है, वो अगल बगल के लोग के साथ आप भी अगर यही बात होती तो इस पार्टी में एक नेता का नाम बताए हो जो उनको पार्टी ज्वाइन कराने के पक्ष में था, कोई नहीं था, एक पार्टी का नेता नहीं था। अगर मुख्यमंत्री जी किसी के कहने पर ही चलते तो बाकी तो सबकी राय थी कि उनको नहीं ज्वाइन कराना चाहिए, लेकिन सबकी राय के विपरीत मुख्यमंत्री जी ने उनको पार्टी में ज्वाइन करवाया। मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा खासियत आज से नहीं प्रारंभ से ये रहा है, सुनते सबकी है करते अपने मन। अरे पार्टी के साथी रहे हैं, कोई भी साथी है, आप ही चले आइएगा, किस जिस चैनल में आज है छोड़ के चले जाइएगा, दोबारा जाइएगा तो आपको ले लेगा कि नहीं ले लेगा। अरे रहता है आदमी इतना दिन तो, और आके एक बात बता देते हैं, इस समय यहाँ ज्वाइनिंग के समय भी और उसके बाद भी उनका रिकॉर्ड
आप अगर पुराना भाषण उनका गूगल में निकालिएगा, पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि जीना यही है, मरना यही है, कुछ नहीं चाहिए, सब बात उन्होंने यही कहा इसी हॉल में, तो सब रिकॉर्ड है उनका। और आज क्या बोल रहे हैं, उनका कहना है कि जदयू और अपनी सरकार आप लोगों ने आरजेडी के सामने गिरवी रख दिया। अच्छा, अरवल के जब वो एनडीए से बाहर आ रहे थे तो अरवल के सर्किट हाउस में किससे जाके मिले थे, किससे जाके मिले थे? तेजस्वी यादव जी से जाके मिले थे। और बीच में जब एनडीए से बाहर निकले थे तो गठबंधन के लिए आरजेडी के साथ घूम रहे थे, उसमें बहुत तेजस्वी यादव जी ठीक थे, उस समय लालू यादव जी बहुत ठीक थे। तो अपनी महत्वाकांक्षा को आगे करके जब सोचेगा तो ही सब होगा ना। वो गए थे कि नहीं अरवल, रिकॉर्ड में है ना, वो आरजेडी के साथ गठबंधन में थे ना। लेकिन हम लोगों ने सुना, अब सच्चाई क्या है तो उपेंद्र जी बताएं। हम लोगों ने जो उस समय सुना कि उन्होंने कहा कि हमको मुख्यमंत्री घोषित कीजिए, तेजस्वी जी ने कहा कि आपको क्या के लिए मुख्यमंत्री घोषित करेंगे, तो वहां से निकल गए। तो बहुजन समाज पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, तो वहां से उस गठबंधन से लड़ गए। कौन सा कर्पूरी ठाकुर के लेगेसी को आगे ले जाना बचा रहे हैं? आज तक अपने पूरे राजनीतिक जीवन में उपेंद्र कुशवाहा जी ने कर्पूरी ठाकुर जी के किस लेगेसी को आगे बढ़ाया? कोई लेगेसी को नहीं। हाँ, नीतीश कुमार जी ने कर्पूरी ठाकुर के जी के लेगेसी को आगे बढ़ाया। कर्पूरी ठाकुर जी के साथ मुझको भी सौभाग्य रहा है काम करने का उनके जीवन के अंतिम क्षण तक। कर्पूरी ठाकुर जी ये चाहते थे कि समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनको न्याय मिले। किसने न्याय दिया? नीतीश कुमार जी ने न्याय दिया। 2005 में वो मुख्यमंत्री बने, 2006 में उन्होंने न्याय दिया उस वर्ग के साथ। किस लीगेसी की बात कर रहे हैं? वो अपनी लीगेसी की बात करें वो ज़्यादा बेहतर है। अरे भाई, आपको तो बता दिया था, समझे नहीं? हमने क्या कहा? हमने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी को इस पार्टी में फिर से वापस लिया जाए। इस पक्ष में पार्टी का एक भी नेता नहीं था, एक भी नेता नहीं था। लेकिन जब उनको ज्वाइन कराने का निर्णय मुख्यमंत्री जी ने ले लिया, मुझको भी उन्होंने बुलाया था, उपेंद्र कुशवाहा जी सामने बैठे हुए थे। हमने कहा था उस समय, एक मिनट, हमने कहा था उस समय भी मुख्यमंत्री जी को, इनसे पूछ लीजिए ना कई दिन टिकेंगे पटिया में। हमने उस समय भी कहा था मुख्यमंत्री जी को, उपेंद्र जी के सामने, कि इनसे ये ना पूछ लीजिए कि पार्टी में कितना दिन रहेंगे। तो कहे कि अब जीना मरना सब यही है, अब कहाँ जाएंगे, थक गए। हम लोगों ने कहा कि जब थक गए हैं तो इनको आराम करने के लिए जगह दे दीजिए। ये मुख्यमंत्री कौन है? आप कह रहे हैं कि पार्टी अस्तित्व में रहे, विपक्षी एकता के लिए पहल करने के लिए कहा है, तो क्या नीतीश ने कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है? या अभी आपको पहल करने के लिए कहने का मतलब है नेतृत्व स्वीकार करना? ये किसने आपको समझा दिया? अध्यक्ष जी, आप कह रहे हैं कि पार्टी अस्तित्व में रहने के कौन होगा? आप कह रहे हैं कि मंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। 2025 कब हम बोले हैं? क्या हम बोले हैं? क्या कहाँ पे मिलती थी? तो जब आएगा समय तब देखा जाएगा। कहे अस्तित्व में है, पार्टी में अस्तित्व में रहेगा। आज 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 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं तो राष्ट्रीय जनता दल अस्तित्व में नहीं है? अरे गजब आपका सवाल है। आज भी राष्ट्रीय जनता दल अस्तित्व में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अरे 2025 जब आएगा तब बात कीजिएगा, अभी 2025 नहीं है, अभी 24 का बात करिए ना। अरे अभी 24 का बात करिए ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका कोई एजेंडा, माले का एजेंडा या नहीं।